तकरीबन 100 से भी ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन हर वीडियो के कमेंट में दिखता है कि एक पिलर पे 8 एलिवेटेड लेन्स कैसे होंगे, क्या एक पिलर पे 8 लेन बन सकता है, 8 लेन का रोड बन सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक पिलर के ऊपर 8 लेन का जो एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो इंडिया का सबसे पहला 8 लेन का एलिवेटेड रोड है सिंगल पिलर पे, वो कैसे बनेगा। डेवलपमेंट्स दिखाने वाला हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड का, जो कि पैकेज 3 में है। हालांकि अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है, पॉल्यूशन के वजह से कंस्ट्रक्शन बैन है पूरे दिल्ली NCR में, तो काम रुका हुआ है। बट अगर काम हो चुका होता तो आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका होता एलिवेटेड रोड का। तो दो जो पैचेस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये पैकेज 2 है दिल्ली का, और ये जो सेक्शन है ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, बंद रोड है। यहाँ से पैकेज 3 शुरू होता है, और मैं जो आपको भी वीडियो दिखाने वाला हूँ वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आसपास कहीं पे है वो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेक्टर 109 है और ये सेक्टर 110 है। और पहला वीडियो यहाँ का दिखाऊंगा, और जो सेकंड वीडियो है वो मैं आपको इस पैच का दिखाऊंगा, यहाँ पे ये पूरा सेक्टर 103 है और ये सेक्टर 104 है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा था, और अगर कंस्ट्रक्शन बैन नहीं हुआ होता दिल्ली NCR में तो काम काफ़ी स्पीड अप था, बट कंस्ट्रक्शन बैन है फिलहाल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया इस वीडियो को बनाने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ जब आप लाइक और कमेंट करते हैं किसी भी नए वीडियो पे, तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबका बेनिफिट हो। मेरे चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना ईमेल आईडी और ट्विटर आईडी भी दिया है, आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। इस समय मैं दिल्ली के डायरेक्शन से गुड़गांव के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है, और हमारे राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। सामने राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग, वो कमर्शियल बेल्ट है वहाँ पे पूरा सेक्टर 109 में द्वारका एक्सप्रेसवे का। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, वो सेक्टर 110 का एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। और बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका काम चल रहा था, फिलहाल अभी काम रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन में बैन की वजह से, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR, तो सारी ही जगह कंस्ट्रक्शन पे बैन है फिलहाल। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जून 2019 में इसी जगह पे पहला पिलर लगा था द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसका मैंने नाम दिया था द पिलर ऑफ होप, कि वो जो पहला पिलर है उस पिलर के बाद ही सारे पिलर्स खड़े होंगे। और जुलाई में मैंने आपको दिखाया था कि उसी पिलर पे पाया कैप को लगा दिया गया था और लेबर जो थे वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने जुलाई के बिगनिंग में, और जुलाई के एंड में पिया कैप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे भी कंक्रीट कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे कंक्रीट किया हुआ है साइड में, तो जो फर्स्ट पिलर था उसे भी कंक्रीट कर दिया गया था, जुलाई के एंड में हुआ था। सितंबर 2019 में काफ़ी सारे पिलर्स में कंक्रीट कर दिया गया था, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में पिलर के, इसे कंक्रीट कर दिया गया था सितंबर 2019 में। और मैंने आपको जुलाई में ही बताया था कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको वहाँ पे स्टेटस दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो सामने अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है वो लॉन्चर मशीन लगी हुई है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो ये एक पिलर है उस पर 8 लेन कैसे टिकेगी एलिवेटेड रोड वो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्डर लगा दिया गया है, सेगमेंट्स लगा दिए गए हैं, ऊपर लॉन्चर है, तो काम चल रहा है। अभी मैं आपको बड़ा क्लोजअप और क्लियर लुक दिखाऊंगा। तो इस समय मैं सेक्टर 110 में खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे सेक्टर 110 है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो सेक्टर 110 है गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का। और सामने जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, हाई राइज बिल्डिंग है, तो वो सामने का जो एरिया है वो सारा का सारा सेक्टर 109 है। और ये बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन है, जो ये पिलर दिख रहा है फर्स्ट पिलर लेफ्ट हैंड साइड में,
यही वो पिलर है, पिलर ऑफ होप, और ये सेकंड पिलर है। इन दोनों के बीच में गार्डर्स को लगाए गए हैं और एलिवेटेड रोड बनाने के लिए। फिलहाल ये जो आप अभी सेगमेंट्स देख रहे हैं, जो सीमेंट के छोटे छोटे सेगमेंट देख रहे हैं, इसका मैं अभी आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ, वहाँ चल के आपको बताऊँगा और ऑफिशियल से भी बात करूँगा, और आप सुनिएगा कि ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि कैसे कैसे ये काम एक्सीड होगा। तो फिलहाल जो मुझे पता है, ये जो पहला सेगमेंट है इसको करने के लिए सिर्फ 14 डेज का ही 14-15 डेज का टाइम चाहिए होता है। पहला सेगमेंट क्लियर हो गया, वो बन गया सारा कुछ, तो जो सेकंड सेगमेंट है यानी सेकंड पिलर जो यहाँ से दिख रहा है आपको, वहाँ से लेकर थर्ड पिलर जो है उसको पूरा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हार्डली 7 डेज टू 10 डेज का टाइम लगेगा। आप 7 डेज मानिए, मिनिमम 7 डेज लगेंगे, तो 7 डेज में भी ये काम किया जा सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन में बैन नहीं होता दिल्ली NCR में, तो आज के डेट में, क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स काम नहीं हो रहा है, तो आज के डेट पे ये जो आप काम देख रहे हैं, जो एक पिलर दो पिलर के बीच में ये जो गार्डर्स लगे हैं और जो सेगमेंट्स लगे हैं, ये एक्चुअली कम से कम आगे तक, जहाँ तक आपको मैंने पिलर्स दिखाने शुरू किए थे कार चलाते हुए, वहाँ तक ये ऑलरेडी हो चुका होता, बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बैन है तो इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो ये क्लोजअप लुक आप देख सकते हैं इसका, सामने ये जो सेगमेंट्स है, नीचे ऊपर लॉन्चर है, वो जो ऑरेंज मशीन है वो लॉन्चर है, और नीचे जो छोटे छोटे हैं ब्लॉक्स वो सेगमेंट्स बोलते हैं उनको, और दो पिलर्स आपको पता ही है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। अब मैं यहाँ चलूँगा और अंदर से आपको दिखाऊँगा कि अंदर से ये कैसा दिखता है। मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि ये जो बैन करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये चलिए अच्छी चीज़ है कि बैन कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है टाइम से और उसके वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। ज़्यादा बेटर ये होता कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बैन करना तो ये सिलसिलेवार तरीके से हर साल कर देंगे कुछ ना कुछ महीनों के लिए बैन कंस्ट्रक्शन को, लेकिन इंस्टेड ऑफ बैनिंग आप टाइमलाइन डिफाइन कीजिए और उस प्रोजेक्ट को ट्रैक कीजिए कि वो प्रोजेक्ट विद इन दैट टाइमलाइन कंप्लीट हो जाए, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स बैन करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पॉल्यूशन ही ना हो। तो सॉल्यूशन ये है कि टाइम बाउंड कंप्लीशन होना चाहिए प्रोजेक्ट, सो दैट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और हर महीने बैन करने की ज़रूरत ही ना हो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ और ये सेगमेंट्स हैं जो सीमेंट वाले चीज़ हैं, तो सेगमेंट को ऑलरेडी रख दिया गया है यहाँ पे, और ये पिलर्स हैं। अगर बैन नहीं हुआ होता तो आगे पिलर जो आपने देखा यहाँ पे, वहाँ तक ये सेगमेंट्स को रख दिए जाते और काम हो चुका होता यहाँ तक का, बट बैन है कंस्ट्रक्शन दिल्ली NCR में। ये नीचे से आप लुक देख लीजिए इसका, अब मैं आपको इसके अंदर ले जाके इसके बाद अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स जो हैं गार्डर्स के, उनको रख दिया गया है, उनको अलाइन भी कर दिया गया है, बट कुछ सेगमेंट्स हैं जो अलाइन नहीं है, काम रुका हुआ है यहाँ पे। फिलहाल ये जो सेगमेंट्स देख रहे हैं ये 2 लेन बाई 2 लेन का है और इसमें एडिशनल और दोनों ही तरफ दो दो लेन के और सेगमेंट्स लगेंगे। ये सेक्टर 109 है जो आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये क्लोजअप, जितने आगे तक आप देख रहे हैं यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं, वहां तक काम कंप्लीट हो चुका होता, 1.5 महीने से यहाँ पे काम रुका हुआ है। अब जैसे जैसे ये एक एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दो पिलर के बीच में जो सेगमेंट लगना है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऊपर आपने जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देखा था वो उसको आगे पुश करके और आगे ले जाते रहेंगे, तो इसको वहां से हटाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ पुश होगा। अब तक आपने बाहर से देखा था, रोड के बाहर से, तो आपको पूरा व्यू नहीं मिल पा रहा था, ये अंदर से पूरा व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर ऑरेंज कलर का जो है वो लॉन्चर है, उसके बाद इसमें सेगमेंट्स लगे हैं, उसके बाद पियर कैप है और नीचे पिलर है, और पिलर के नीचे पाइल्स हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ये पहला कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ का, उसके बाद ये सेकेंड कमर्शियल बिल्डिंग है लेफ्ट में, आपको जूम करके दिखाता हूँ, पीछे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 109 के, ये सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 109 के जो पीछे आपको दिख रहे हैं। ये रहीजा का थरवा है ये दोनों, ये चिंतल्स का पैराडिसो प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल, ये ATS ककून प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये भी एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 109 का, ये दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग है और ये थर्ड कमर्शियल बिल्डिंग है सेक्टर 109 में, ये और ये सेक्टर 109 में, बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेक्टर 109 और द्वारका एक्सप्रेसवे का क्रॉसिंग है
वहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है सेक्टर 105 में, और ये सेक्टर 110 में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेडी टू मूव इन है, ऑलरेडी कुछ फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं। तो फिलहाल अब मैं आपको वापस से यहाँ पर दिखाता हूँ और आपको सामने ले जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं आगे, अगर आपको बिल्डिंग दिख पा रही है, वो 111 का सेक्टर है, आगे जाकर तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे होगा वो। आपको और आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे बैन से पहले, जो कंस्ट्रक्शन बैन है उससे पहले क्या क्या काम हो गया था। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का ये स्टील का या आयरन का फ्रेम दिख रहा है, ये यही लॉन्चर बोलते हैं इसे, यही लॉन्चर ऊपर रखा हुआ है राइट हैंड साइड में, जिसके नीचे सेगमेंट्स लटके हुए हैं। तो मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा और आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम हो रहा था, क्या क्या काम हो रहा था, सो डैट आपको समझ में आ जाए कि जो रोड है वो कितना सेफ है और जो एक पिलर है, एक पिलर के ऊपर 8 लेन्स कैसे स्टैंड होंगी। मैं वहाँ, यही लॉन्चर है और यही लॉन्चर यहाँ ऊपर रखा हुआ है, ये सारा जो आप ऑरेंज स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर, ये लॉन्चर है, ये सामने क्रेन है, काफ़ी बड़ी क्रेन है ये एक्चुअली। तो मैं आपको अभी सामने लेकर चलता हूँ और वहाँ पे ऑफिशियल से बात करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि एक पिलर पे 8 लेन कैसे बनेंगे। तो ये अंदर के साइड का व्यू है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा वो बाहर के साइड से मैंने आपको दिखाया था, अब ये अंदर के साइड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से कैसा लग रहा है। फिलहाल ये जो रोड जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये एक्चुअल में जब एलिवेटेड रोड ऊपर बन जाएगा तो नीचे भी रोड होगा, आप देख सकते हैं इसका विड्थ कितना ज़्यादा है। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, और अभी मैं ऑफिशियल से भी बात करूंगा और जो भी मेरी बात हुई थी उस टाइम पे उनसे, तो वो सारा कुछ आपको सुनाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पिलर के ऊपर 8 लेन कैसे बनेंगे और वो कितना सेफ होगा। ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स के ऊपर फिर हम इनको सेगमेंट्स को डक्ट वायर से वो करते हैं। ये इस पिलर को आप कॉलम बोल रहे हैं? हाँ। तो ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर हम ये आपका ये सेगमेंट्स, इनको सेगमेंट्स मतलब ये जो ऊपर जो स्लैब्स दिख रहे हैं, सेगमेंट्स को यूज, हाँ, ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको। अच्छा, ये सेगमेंट्स हैं और ये 14 होते हैं दो पिलर्स के बीच में। तो किसी भी दो पिलर के द्वार का एक्सप्रेस के बीच में ये 14 पिलर्स होंगे, 14 सेगमेंट होंगे, 14 सेगमेंट्स होंगे, 14 सेगमेंट्स में। अब इनको क्या है, ये जो होल्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे साइड में छोटे छोटे सारे होल्स, ये वाले होल हो गए, ये हो गए, इन सेगमेंट्स में हम डक्ट वायर का यूज करते हैं, वायर का यूज करते हैं। तो डक्ट वायर कैसा होता है, वो जो वहाँ पे, हाँ, वो जो वायर, मैं जूम करूँ, हाँ, वो लैडर्स के ऊपर जो दिख रहा है वायर, करेक्ट, काइंड ऑफ सरिया की तरह से होता है वो, ये वाले वायर है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे हम इस डक्ट वायर्स को इसके अंदर हम इन पॉट होल्स के अंदर डालते हैं। अच्छा। और डाल करके इनको टाइट करते हैं। तो मतलब ये वाले वायर हर के पीछे 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 जाके मिलेगा वहाँ तक, उससे पहले यहाँ पे हम सेगमेंटल ग्लू यूज करते हैं। अच्छा। जैसे इस प्रोजेक्ट में हम फेयरमेट का मतलब यूज कर रहे हैं, तो सेगमेंटल ग्लू से क्या होता है? सेगमेंटल ग्लू एक काइंड ऑफ उसको स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए। तो मतलब ये दोनों तो सीमेंट का ही है। हाँ, इन सेगमेंट्स को चिपकाने के लिए समझ लो वो फेविकोल है। अच्छा, देसी लैंग्वेज में अगर आप, करेक्ट करेक्ट, फेविकोल सेगमेंट को पकड़ के रखता है, दो सेगमेंट को चिपकाने, बट वो इतना मतलब पावरफुल होता है कि वो ट्रक ट्रक चले तब भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, एक बार लग जाएगा, ड्राई हो जाएगा 24 आवर्स के बाद, इसको वहाँ से जॉइंट से नहीं टूटेगा कॉन्क्रीट, बीच में से टूट जाएगा पर वो जॉइंट में से नहीं टूटेगा। अच्छा, इतना पावरफुल होता है। मजबूती के लिए जो डक्ट वायर्स यूज करते हैं, जो इम्पैक्ट लोड को वो करने के लिए, जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं इन ब्रिज में फ्लेक्सिबिलिटीज, वो आपका सारा डिपेंड करता है इन डक्ट वायर्स पे। अच्छा, समझ लो कि आपकी पूरे वायर्स पे, ये पूरे वायर्स पे स्क्वीज होते जाएंगे। तो अब मुझे एक चीज आप बताइए, अब आपने जैसे ये जो स्लैब लगा है, सेगमेंट लगा है, हाँ। ये अभी कितने बाय कितने लेन का है? ये तो अभी 15 है, इसके साइड साइड में 10 और 10 मीटर का और ऐड किया जाएगा। तो अभी ये कितना लेन होगा? 2 लेन होगा इसमें टोटल तो 4 लेन है दोनों तरफ, 8 लेन है, 35 फुट का हो गया, करेक्ट। तो आपका एक गाड़ी का 3 मीटर के हिसाब से आप, ये आपका है, ये कितने मीटर का? 15 मीटर है, यानी अभी ये 3 लेन हो गई। तो अभी अगर इसी में अगर गाड़ियाँ चल जाएंगी तो 3 गाड़ी दोनों साइड चल जाएंगी, तीन, हाँ, तीन, हाँ। नहीं नहीं, इसमें अभी 4 लेन 8 लेन हो रहा है ना, तो दो दो आप इधर रख लो। अच्छा, दो दो इधर, दो दो रख लो। तो अब जब, अच्छा, आप बोल रहे हो कि एक ही पिलर में ये वाला भी सेगमेंट होगा? मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, करेक्ट करेक्ट, नट्स नट्स दिख रहे हैं ना, हाँ। तो एक समझ लो, एक गाड़ी इधर और एक गाड़ी इधर। अच्छा, तो ये दो ब्लॉक का, दो गाड़ियों का हो गया, दो गाड़ी इधर,
तो जब ये बन के तैयार होगा तो एक ब्लॉक इधर और ऐसा लगा हुआ होगा दो गाड़ियों का, और एक्सटेंड किया जाएगा और 10 मीटर उधर, तो यहाँ के वो बता रहे हैं इतना सारा लोड एक पिलर ले लेगी। हाँ, ये इंडिया अभी ऐसा हो गया, एक मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग मेरे से पूछते हैं सब कमेंट करके, अब कभी एक साइड बहुत सारे ट्रक का ट्रैफिक जाम हो गया और दूसरा साइड बिल्कुल खाली है तो पलट नहीं जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये लोड इसका डिज़ाइन क्या हो रहा था, सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, सारे स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट का ये काम होता है कि लोड को कैसे डाइवर्ट कैसे करें, कितना लोड कहाँ पे जाएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसे मतलब रैंडमली कोई मतलब उसको टांग नहीं देते हैं, ऊपर है शायद इसका पूरा नीचे हुआ। नहीं नहीं उससे नहीं, हाँ नीचे का तो मैंने देखा, आप देखो ये जो साइड साइड के होते हैं, हाँ जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर वो क्या करते हैं, ये सारे लोड का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, करेक्ट, तो ये सारे लोड का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे आप कोई भी चीज़ देख लो उसके बीच में जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हाथ में ही होनी चाहिए, आपके बीच शरीर के ही बीच के में जो आपका लोड पड़ता है वो साइड में, आप इधर से कोई सामान उठा रहे हो, उधर से कोई सामान उठा रहे हो, बैलेंस बीच से ही बैलेंस करते हो, तो वही चीज़ है इसमें, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इसको वो किया गया है। अच्छा। और ग्रेविटी कैसे किधर कितना लोड जाएगा, जैसे इस साइड में क्या गाड़ियाँ जा रही है, उस साइड में क्या गाड़ियाँ जा रही है, हाँ उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाए। तो एक चीज़ अब बताइए, अब एक पिलर से जो दूसरे पिलर में, जैसे यहाँ वाले पिलर से लेके इस वाले पिलर तक में जो 14 सेगमेंट ऊपर लगे हैं, हाँ जी, तो इसको लगाने में कितना टाइम लगेगा? ये तो फर्स्ट है पूरे द्वारका एक्सप्रेस का जो लग रहा है। टाइम डिपेंड करता है कि कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर भी अंदाजन 15 डेज का, मतलब जैसे जो सीनियर्स बताते हैं 15-16 डेज का लगता है। 15-16 डेज में मतलब 3 वीक मान लेते हैं, 3 वीक्स मान लेते हैं, अप्रॉक्स कोई नहीं बता सकता है। 3 वीक्स में आप मतलब इनिशियल है तो 3 वीक्स लग रहा है, और जब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो क्योंकि सारे जो आपके इक्विपमेंट्स हैं सारे सबको सेट करना, सारे लेबर्स को इंस्ट्रक्शन देना, ट्रेनिंग देना, उसमें समझाना कि कैसे क्या करना है, कितना अप्लाई करने में क्या टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ्यूचर को देख करके, लोडिंग और सारी चीज़ों को देख करके ही वो किया। ये अभी तो इंडिया का पहला ऐसा है स्ट्रक्चर जो मतलब 8 लेन का बन रहा है, एक पिलर पे, सिंगल पिलर पे 8 लेन का बन रहा है, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है इंडिया में पहला, और जो इसका मतलब ये एक्चुअली रोल मॉडल बन जाएगा सारे पूरे इंडिया के हाईवे नेशनल हाईवे के लिए। एग्जैक्टली सिंगल पिलर, दिस इज़ द फर्स्ट आई गेस एशिया में भी, ये मतलब दूसरा तीसरा होगा, एशिया में भी दूसरा तीसरा होगा। ऑसम, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम वेरी हैप्पी, ये रेयर है, दैट इज मोर, रोल मॉडल बन जाएगा, मैं खुश बहुत मेहनत किया है मेरी। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे कम्यूटर्स और रेसिडेंट्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट और सारी मॉनिटरिंग बॉडी जो पॉल्यूशन को मॉनिटर कर रही है उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कंस्ट्रक्शन में जो आपने बैन लगाया है आप उसे हटा दीजिए, और आप एक टाइमलाइन डिफ़ाइन कीजिए कि जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, उसका एक टाइमलाइन डिफ़ाइन कीजिए, और उसमें अगर स्पीड अप करना हो उस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के लिए तो उसको स्पीड अप करवाए गवर्नमेंट, उसको स्पीड अप करवाए कोर्ट, या जो भी चीज़ें उसको स्पीड अप कराने के लिए किया जा सकता है वो करवाइए। बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, काम को कंप्लीट कर देंगे तो आगे अगले साल से पॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आप ये जो बेयरिंग्स देख रहे हैं, क्लोज़अप देख लीजिए, तो ये वही बेयरिंग्स हैं जो ये जो होल्स हैं सेगमेंट्स में जिनके थ्रू वायर्स जाएंगे, तो ये बेयरिंग्स उसी होल्स में लग रहे हैं, उसमें फिक्स होंगे, तो मुझे मौका मिला तो मैंने ये भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। अभी मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में और आगे ले जाऊंगा, जहां पे सेक्टर 103 और 104 का इंटरसेक्शन है, और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा था उस समय। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये हमारे राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर लॉन्चर को लगाने का काम शुरू कर दिया गया था, बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन बैन है तो वो काम पूरा नहीं हो पाया। वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, अपने सारे दोस्तों को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं सबको भेजिएगा, सबको बताइएगा कि ये डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।